Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस आपने देखा था, सर ने आपको पढ़ाया था। सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर अगर आपको याद हो तो क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें ये चीज बताया गया था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, वो डिलीट हो गया है तो उस पोर्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिखा है हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत ही न्यू टर्म है ना आप सबके लिए, हेरिडिटी। बट कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है पहले हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, हेरिडिटी होता क्या है। तो इससे पहले का जो हमने चैप्टर पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आई थिंक वो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वहीं से ये रिलेटेड हमारा हेरिडिटी चैप्टर भी है। ठीक है, तो वो चैप्टर अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपको हेरिडिटी चैप्टर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हेरिडिटी क्या होता है। अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो हमने इससे पहले देखा था गैमेट्स का फ्यूजन होना, जायगोट बनना और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्यूजन होता है यहाँ पे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे। कैरेक्टर्स मीन्स जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्या स्पर्म था, मेल गैमेट था और यहाँ पे क्या था, ओव्यूम था। ठीक है, ओव्यूम था, इन दोनों का क्या होता था, फ्यूजन होता था, होता था, इनका क्या होता था, फ्यूजन होता था। ठीक है, तो इनका जब फ्यूजन होता था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि इनके में, इन स्पर्म में और ओव्यूम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और ये जब दोनों ही हमारे न्यूक्लियस, जो स्पर्म के और ओव्यूम के जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, इट मीन्स उनका डीएनए भी क्या होता है, फ्यूज होता है। और डीएनए से ही उनके जो ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं उनमें किस तरह के कैरेक्टर्स होंगे, किस तरह के ट्रेट्स डेवलप होंगे उनके ऑफस्प्रिंग में, ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। क्लियर, मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना कहाँ से, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में। क्लियर, तो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी उनका फ्यूजन हुआ, यहाँ पे डीएनए भी उनका फ्यूज होता है, क्योंकि डीएनए ही क्या है, उनका जेनेटिक मटेरियल है। आपको हमेशा छोटे क्लासेस से भी ये चीज बताया जा रहा होगा कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स कि ये सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स पजेस करता है, किस तरह की ऑफस्प्रिंग में किस तरह के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, कैसे कैरेक्टर्स होंगे, कैसे ट्रेट डेवलप होगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ही क्या, ये सारी चीजें डिसाइड करता है कि किस तरह के कैरेक्टर्स उसके न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। क्लियर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। बट कैरेक्टर्स क्या है या ट्रेट क्या है, ये बात भी आपको सोचना होगा कि कैरेक्टर्स और ट्रेट क्या होता है। तो कैरेक्टर्स और ट्रेट कुछ और नहीं, जैसे आपने देखा हुआ हाइट, आपके जो फादर होंगे वो टॉल होंगे, आप क्या होंगे, थोड़े से शॉर्ट होंगे, तो ये क्या है, ये कैरेक्टर्स है। आई कलर, आई का कलर देखा होगा किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउनिश। हेयर का शेप आपने देखा होगा, किसी का कर्ली, किसी का स्ट्रेट, बहुत रफ होना, क्या होता है, ये सारी चीजें, जैसे कर्ली, कर्ली हेयर बहुत देखा होगा आपने, कर्ली हेयर या फिर स्ट्रेट हेयर, ये जो होते हैं ये वेरिएशन देखने को मिलता है, ये हमारे कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं शेप ऑफ हेयर, आई कलर, ठीक है, ये जो हमारे हेयर के शेप और प्लस आई कलर, ऐसे बहुत से हमारे कैरेक्टर्स है जो हमको देखने को मिलता है, और यही कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए डाला है, क्योंकि हेरिडिटी में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे स्पर्म और ओव्यूम, स्पर्म कौन रिलीज करेगा, मेल और फीमेल।
तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है, इस चीज को आप लोग याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो इसके ऑर्गेन क्या होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, ये गैमेट से इनके फ्यूजेस होंगे और ये जायगोट बनाएगा और ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, इसके पेरेंट्स से, मतलब जो पेरेंट्स है इसके पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैरेक्टर्स है। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये पॉइंट देखा कि ये क्या है, सेक्स सेल है। सेक्स सेल इट मींस ये क्या है, गैमेट्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये गैमेट्स है। और गैमेट्स पे अगर आपको याद होगा तो मैंने अलग अलग बना के दिखाया था कि इस पोर्शन को हम क्या कहते थे, इस पोर्शन को हेड कहते थे और ये हमारा ओव्यूल था और यही पे क्या प्रेजेंट होता था, न्यूक्लियस, क्या प्रेजेंट होता था, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और इसका डीएनए, मेल का डीएनए और फीमेल का जो डीएनए है ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज करेंगे, मतलब जो इनका न्यूक्लियस है मेल और फीमेल गैमेट का वो दोनों फ्यूज करेंगे, इनमें डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए भी क्या होगा, इन दोनों का फ्यूज होगा। और उसके बाद किस तरह के कैरेक्टर्स इसके न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप होने हैं, ये यही हमारे जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिसाइड करते हैं। तो लास्ट पॉइंट आपको यही है कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स में। तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन आपका कुछ और नहीं, दैट इज द डीएनए। तो ये आपका हेरिडिटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट रहा है, समझना बहुत जरूरी है। कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने वेरिएशंस देखेंगे, बहुत से हम लोग टर्म्स भी देखेंगे। तो ऐसा क्या कि हम लोग क्या एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, टर्म्स के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग के लिए न्यू भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट कोई भी क्यूरीज तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।